क्या क्या मिसिंग है तेरे सामान में? नहीं तू बता, तेरे बैग में तो मेरी कोई चीज नहीं थी। नहीं बिल्कुल नहीं। रिश्ता एक दफा टूट जाए तो फिर जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और फिर आपका क्या भरोसा, कल आपका दिल भर जाए तो? आप ये बात मॉम के सामने पूछिएगा, और वैसे भी आप डिनर पे तो आ ही रहे हैं ना। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। आप जाएं, अपनी शादी की तैयारियां करें। दाने का है, और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मैं नहीं आऊंगी। ये आपकी मर्जी, मगर मैं तो इंतजार करूंगा। मतीन को बता दिया उसने? क्या बताऊं, कहीं से थोड़ा सा जहर ला दे मुझे। आप रो रही हो? कोई बात नहीं, तुम जरा से आराम करने दो, थक गई है। आंटी। हाँ क्या बात है? वो मामा, ये अगर तुम अपने बाप से पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा। डैड ने क्या किया? अर्मीना, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है, और वो भी ऐसी लड़की के लिए जिसे कभी तुम ना मिली ना कभी देखा, और जल्दी कुर्बानी दूंगी। अर्मीना, मैं जानता हूं कि जो कुछ हुआ है उसमें फॉल्ट ना तुम्हारा है और ना किसी और का। कसूर तो उन हालात का है जो हमें कहां से कहां ले आते हैं। कौन अपना है कौन पराया है, इस चीज की पहचान ही नहीं हो पाती, और जब पहचान होने लगती है तो एहसास होता है कि हम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती इंसान को खोने जा रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि खोना क्या होता है। अर्मीना, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे लिए मैं मीना को मनाने में हमेशा पहल करूंगा। वादा, आई प्रॉमिस। कम ऑन अर्मीना, तुम तो बहुत बहादुर हो, इस तरह कब तक चलेगा? आगे बढ़ो, नई जिंदगी स्टार्ट करो यार। यार वैसे वो शेरवानी तुम पे बहुत सूट करेगी। सच कहूं, तुम्हारी शादी नजदीक है तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि चट मंगनी और पट बिया का चक्कर चल जाए, तो मेरी तबीयत भी हरी हरी हो जाए। तुम तो कह रहे थे कि तुम कभी शादी नहीं करोगे। यार कहने और सुनने में बड़ा फर्क होता है। अब देखो ना, तुम्हारी शादी हो रही है, हर कोई तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है। यार आखिर दूल्हा जो बन रहे हो, वैसे मेरी एक बात लिख कर रख लो, तुम्हारी और मीना की जोड़ी बहुत ही शानदार रहेगी। हाँ ये तो है, यार जाने अनजाने में अर्मीना के साथ बहुत ज्यादती कर दी मैंने, हर्ट किया है उसको मैंने, पर ये जो फीलिंग है ना, मुझे चैन नहीं लेने दे रही। यार अर्मीना ने तुम्हारा उस वक्त साथ दिया जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था, तो
तुम कहना क्या चाहते? उसने एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारा साथ दिया, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। मगर दिल का मामला हो जाएगा यार अली, उस पर तो किसी का अख्तियार नहीं होता। क्या मतलब? यही कि जब भी तुम उससे मिले मीना का ही जिक्र करते रहे। वैसे उस लड़की का जर्फ देखो, अगर वो चाहती तो ना जाने क्या कर सकती थी यार। वो मीना को और तुम्हें कभी मिलने ही नहीं देती, मगर देखो उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी। जानते हो क्यों? इसलिए कि वो तुम्हें खुश देखना चाहती थी, और तुम्हें खुश देखने के लिए उसने अपने अरमानों का गला घोंट दिया। उसने कभी जाहिर ही नहीं होने दिया कि वो तुम्हें प्यार करती है। और देखो यार, आज उसने तुम्हें मीना से मिला ही दिया। भला इस अफरा तफरी के दौर में कोई ऐसा करेगा? तुम ठीक कह रहे हो। मैं करता भी तो क्या करता? कभी कभी इंसान अपने बारे में सोचने में इतना मगन हो जाता है कि वो इस बात का ख्याल ही नहीं रखता कि दूसरा उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। अगर आपने 25 फरवरी 2012 से अपनी डॉग शॉक सिम नहीं इस्तेमाल की तो अभी सिम वापस। मैं खुद गर्ज हो गया था। मैंने खूबसूरत दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। काश मैं इसका मदावा कर सकता। और वो अरमीना इतने आला जर्फ की मालिक होगी कि अकेले अकेले। तुम बस इतना करना कि जिंदगी की तरफ लौटाने के लिए उसे जो सपोर्ट चाहिए उसे देना, जो भी स्पेस उसे चाहिए वो देना। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। देखो अली, तुम्हें ये सब कुछ फौरी तौर पर करना है ताकि दिल साफ रहे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अरमीना के लिए जो कुछ कर सकता हूं वो करूं। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह अरमीना को सारी खुशियां दे। इकतीस दिन एक शाह। यहाँ क्या कर रही हो? Mom, I'm just enjoying. मगर लाइट चली गई है। It's okay, Mom. Chill. Mom, वो मुझे ना आपसे कुछ कहना है। कहो। वो सब कुछ इतना अचानक हुआ ना कि पता ही नहीं चला। पहले मुझे समंदर के किनारे पोल्यूशन नजर आती थी, अब उसकी लहरों का म्यूजिक समझ में आने लगा है। ये बदलते हुए मौसम, ये रंग, चहचहाते परिंदे, सब कुछ अच्छे लगने लगे मुझे। माँ, कोई मिल गया है क्या? कौन है वो? वो मेरे लाहौर वाले क्लाइंट शहरयार खान साहब। आप उनसे मिलेंगी ना तो आपको बहुत खुशी होगी। मैंने ना उन्हें खाने पे बुला लिया है। Is that okay with you? आज मैं बहुत खुश हूँ। God bless you. Thank you. मैंने बहुत सोच समझ कर शादी का फैसला किया है। अनुष्का, मैंने हमेशा फ्लर्ट ही किए हैं, कभी इश्क नहीं किया। इसीलिए कभी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं नहीं जानता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं था। अनुष्का, मैं बोले चला जा रहा हूँ, पता नहीं मैं तुमको कन्विंस कर पा भी रहा हूँ कि नहीं। पता नहीं मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ कि नहीं। तुम समझ रही हो ना? देखो अनुष्का, मैं तुमसे कुछ झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ।
मैं छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर बात तुमसे शेयर करना चाहता हूँ अनुष्का। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। शाज़िम, मैं आपको कैसे समझाऊं कि हमारा रिश्ता टूट चुका है, जो मैं चाहती थी वो नहीं हो पाया, और अब मैं बार बार अपने खानदान को आजमाइश में नहीं डाल सकती। तो वो तुम्हारी खुशी चाहते हैं कि नहीं अनुष्का? तुम मुझे इस तरीके से रिजेक्ट नहीं कर सकती। शाज़िम प्लीज, मैंने समझौता कर लिया। ये कैसी मोहब्बत है जो इतनी आसानी से खत्म हो गई? शायद ये मोहब्बत थी ही नहीं। किसकी वजह से ना कह रही हो तुम? दानिश की वजह से? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, तो मैं वापस चला जाता हूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली बात कर रहा हूँ। तो आप हो वो अली? आप कौन? मैं अर्मीना की सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ। दुबई गई हुई थी, अभी हाल ही में वापस आई हूँ। आप मुझे कैसे जानती हैं? हाँ, मेरी दोस्त सुबह शाम आप ही का जिक्र किया करती थी। हाँ, अर्मीना वाकई बहुत अच्छी है। शुक्र है। आपको ये पता तो चला कि अर्मीना बहुत अच्छी है। देखिए, आप प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं अर्मीना से बात करना चाहता हूँ। अब क्या बात करनी है आपको? सब कुछ तो मिल गया है आपको। नई जिंदगी के बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और अर्मीना भी तो यही चाहती थी ना? देखिए, मैं जानता हूँ कि अर्मीना की फीलिंग्स क्या रही हैं, लेकिन मैं मजबूर था, मुझे बताएं मैं क्या करता। आपको जो सही लगा वो आपने किया, और जो अर्मीना को सही लगा वो अर्मीना ने किया। हर किसी का जिंदगी परखने का अपना ही अंदाज होता है ना। देखिए, मैं मानता हूँ कि कहीं कहीं मैं बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो गया था। मैं अर्मीना से जब भी मिला मैं अपनी अपनी करता रहा। ये जानने की कोशिश भी नहीं की मैंने कि अर्मीना क्या सोचती है, क्या महसूस करती है। पर जब बारी आई जानने की, तो अर्मीना ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और मुझे वापस मीना के पास भेज दिया। मैं तो बिखर गया था, टूट गया था मैं। आपकी दोस्त ने ही मुझे टूटने से बचाया। इस बाजी में मैं मानता हूं कि अर्मीना के साथ ज्यादती हुई है। मैंने बहुत देर कर दी अर्मीना की फीलिंग्स को समझने में। पर आज मैंने फोन इसलिए किया है कि मैं दिलो जान से अर्मीना से माफी मांग सकूं। उसके चेहरे पे वही मुस्कुराहट दोबारा देख सकूं जो उस पर बहुत अच्छी लगती है। वो कहाँ है, मुझे उससे बात करनी। आपने बहुत देर कर दी अली साहब। ये सच है कि जाने वाले कभी पलट कर नहीं आया करते, जब वो जाने का फैसला कर लेते हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि वो बुटीक मुझे दे गई है और वो वहाँ वापस चली गई है
जहां से वो अपने लोगों की तलाश में यहां आई थी। क्या क्या कह रही हैं आप? कहां चली गई? मुझसे मिले बगैर, बात किए बगैर कहां गई है वो? आज सुबह की इंग्लैंड की फ्लाइट थी उनकी, और वो वहां चली गई है आपकी यादें साथ लेकर। मैं तो मीना से माफी भी नहीं मांग सका। बहरहाल मेरी दुआ है कि अरमीना जहां भी रहे उसे बहुत प्यार करने वाला साथी मिले। आमीन।